और अहम लॉकडाउन को लेकर तमाम अहम सवाल लोगों के जहन में कि बढ़ सकता है या नहीं है। आज भी विपक्ष के नेताओं के साथ वीसी हुए, कहीं ना कहीं संकेत पीएम की तरफ से ऐसे मिले हैं कि 14 के बाद भी एक्सटेंड हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, लॉकडाउन का एग्जैक्टली क्या होगा ये तो 13 तारीख को मालूम पड़ेगा इन ए वे, लेकिन बैकग्राउंड इसका ये है कि प्रधानमंत्री के मन में जितना मैं सोचता हूँ या अमित शाह के मन में, क्योंकि दो पॉलिसी मेकर्स हैं कंट्री में जो क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं एंड ए वंडरफुल टीम ऑफ मेड फॉर ईच अदर जो है, तो उनके मन में धारणा है कि भी 7.5 लाख करोड़ का नुकसान इकोनॉमी को इस 21 दिन में हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री ठप है, मूवमेंट ठप है, व्यापार ठप है, तो कोई ऐसा रास्ता तो निकालो कि बिना सेफ्टी को कम्प्रोमाइज़ किए हम इकोनॉमी को बचा लें। सो द चॉइस इज़ बिटवीन इकोनॉमी एंड द सेफ्टी हेल्थ, जिससे तो बीच का रास्ता ढूंढने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन लगता क्या, कुछ मुख्यमंत्री जो हैं, कुछ मुख्यमंत्री जैसे कि योगी हैं, वो अधीर होने लग गए हैं इन ए वे। उन्होंने कहा कि एक भी कोरोना का जब तक यहाँ रहेगा पेशेंट मैं नहीं हटाऊंगा, इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल। ठीक है, 8 मुख्यमंत्रियों ने इंक्लूडिंग राजस्थान इस तरह की डिज़ायर अपना इंटेंशन दिल्ली भेजा है कि भी हम सोचते हैं इसको और बढ़ाया जाए, 30 अप्रैल तक किया जाए। हालांकि राजस्थान चीफ मिनिस्टर का मानना है कि भाई इसको आप कर सकते हो रिलैक्स, लेकिन इन्हें सिंगल गो नहीं कर पाओगे आप, इसको फेजेज में करो, ये मेरा विचार है, आगे भारत सरकार तय करे। ये 8 मुख्यमंत्रियों ने लिख के उनको भेजा है। आज सर्वदलीय बैठक थी, मेरी जानकारी में आया है कि प्रधानमंत्री ने आज ये संकेत दिए हैं कि ये बढ़ सकता है लॉकडाउन। ठीक है, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, तो मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ कि ये बढ़ेगा इन ए वे, क्योंकि चॉइस बिटवीन द टू है, डेलिकेट क्वेश्चन है। हालांकि अभी तक किसी राज्य से ऐसा समाचार नहीं आया है उत्साहजनक जिससे लगे कि हम आज इसको हटा लें, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू फाइंड द वेज एंड सोल्यूशंस फॉर दिस थिंग। तो ये स्थिति है, इसका आपको एग्जैक्ट जानकारी इसके 13 तारीख को लगेगी, लेकिन मेरा यह मानना है कुछ ना कुछ जरूर हटेगा लॉकडाउन। और क्या अभी